नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं टेंशन फ्री चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 की और जानेंगे इसके की स्पेसिफिकेशन के बारे में और साथ में यह भी जानेंगे यह फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस फ़ोन को हमने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेस किया है, तो इसका बॉक्स हमारे पास में आ गया है। इसको हमने चेक करने के लिए ओपन कर दिया था और उस समय मोबाइल नहीं था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर से आपको दिखाता हूं। और इसके ऊपर देखिए आपको लिखा होता है कि यह कहीं से बॉक्स अगर कटा हो, कहीं से फटा हुआ हो तो आप इसे स्वीकार ना करें। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसका रेट और इसके बॉक्स में हमको मिल जाता है बिल, चार्जेस, टैक्स, इनवॉइस और मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के ऊपर एक बबल फॉर्म में एक पॉलीथीन चढ़ी हुई होती है जिससे कि आपके मोबाइल को कोई भी नुकसान ना हो। ये हम ओपन कर लेते हैं। यह है मोबाइल का बॉक्स, इसके ऊपर जेनफोन मैक्स प्रो 1 लिखा हुआ है। बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल मेंशन किए गए हैं जैसे कैमरा, बैटरी और इसका प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज आदि। तो चलिए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। तो ये बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है और सबसे पहले इसके ऊपर हमको सबसे पहले मिलता है सिम ट्रे टूल, जिससे आप सिम की ट्रे को निकाल सकते हैं और सिम और मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद हमको मिलता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक कवर जो आपके मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। कवर की क्वालिटी काफी अच्छी बनाई गई है और साथ में दिया गया है वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल गाइड जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसे फिलहाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं समझता मैं। इसके नीचे एक और पेज है जिस पर लिखा हुआ है मोबाइल का IMEI नंबर और उसके नीचे रखा हुआ है मोबाइल फोन। फोन भी ठीक से पैक रहता है। इसको हम किनारे रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हमको मिलता है USB डाटा केबल और एक चार्जर जो 10 वाट का चार्जर है और साथ में एक मिलता है मोबाइल के लिए स्टैंड जिसमें आप अपने मोबाइल को लगा सकते हैं, लगाकर खड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ में हमको हेडफोन वगैरह कुछ भी और नहीं मिलता है। तो मोबाइल को हम फटाफट बूट कर लेते हैं और बूट करने के बाद दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अगर बात की जाए मोबाइल की लुक की तो मोबाइल पूरा मेटल बॉडी में आता है। इसके कॉर्नर चारों राउंड शेप में दिए गए हैं और इसका किनारा भी राउंड शेप में दिया गया है जिससे इसका लुक काफी अच्छा लगता है। और स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन इसकी जो है 5.99 फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और ब्राइटनेस में भी बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। इसमें 450 निंट की ब्राइटनेस दी गई है और इसमें आपको नीचे की तरफ मिल जाता है एक चार्जर पिन और साइड में है एक आपको स्पीकर, जो स्पीकर काफी अच्छा है नॉर्मल की तुलना में। इसकी साउंड क्वालिटी काफी लाउड है और एक माइक है तथा आपका एक ऑडियो जैक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और ऊपर की तरफ में एक नॉइज का इंसुलेशन माइक है। और इसके बैक में देखा जाए तो इसमें दो कैमरा दिए गए हैं, एक 13 मेगापिक्सल का है, एक 5 मेगापिक्सल का है। दोनों कैमरे से काफी अच्छी फोटो आती है जिनको हमने क्लिक किया है। आप देख सकते हैं लो लाइट में भी और हाई लाइट में भी जो है इसकी फोटो काफी अच्छी आ रही है। जिस हिसाब से कैमरा है उस हिसाब से फोटो बहुत बेहतर है। फ्लैश लाइट भी है और एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और मोबाइल में आपको फेस अनलॉक का भी सिस्टम मिल जाएगा। और फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जिसमें आपको फ्लैश लाइट सामने की तरफ भी फ्लैश लाइट मिलेगी सेल्फी कैमरा के लिए और साइड में एक ब्लिंकिंग लाइट नोटिफिकेशन लाइट भी दी गई है और एक सेंसर दिया गया है फेस अनलॉक के लिए। इस तरह से इसका डिजाइन और इसमें जो कैमरा है और इसका फुल HD प्लस डिस्प्ले है काफी अच्छा है। बैटरी इसमें 5000 mAh की दी गई है जो आपका आराम से 2 दिन निकाल देती है। अगर आप हैवी यूजर हैं तो भी आपको 1 दिन कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से 1 दिन आप इससे निकाल सकते हैं। और इसका कैमरा जो है आपका सेकेंडरी कैमरा 10 ब्यूटी मोड के साथ में आता है जैसे कि HDR, लैंडस्केप, स्पोर्ट, फ्लावर्स, बैक लाइट्स, कैंडल लाइट, सनसेट, नाइट, बीच और स्नो। और इसी तरह से आपका फ्रंट कैमरा भी LED फ्लैश के साथ में 10 ब्यूटी मोड के साथ में आपको मिलेगा। सेम ब्यूटी मोड आपको जो बैक कैमरा में मिलते हैं वही आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाएंगे। यह फ़ोन डबल सिम 4G एक साथ में सपोर्ट करता है और साथ में इसमें SD कार्ड का भी ऑप्शन अलग से दिया गया, अर्थात ट्रिपल सिम स्लॉट दिए गए हैं। यह मोबाइल एंड्रॉयड ओरियो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसका प्रोसेसर
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टा कोर दिया गया है। इसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज है। मोबाइल में 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिल जाता है आपको और डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट भी मिल जाता है। मोबाइल में किसी भी प्रकार के सेंसर की कमी नहीं की गई है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर, ई कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, जीरो स्कोप और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड 0.3 सेकेंड फास्ट अनलॉक है। मोबाइल का टोटल वेट है 180 ग्राम जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से इसकी बैटरी दी गई है 5000 एमएच की, उस हिसाब से मोबाइल का वेट बहुत ठीक ठाक है। मोबाइल में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिससे कि आपको हैवी से हैवी गेम खेलने में, जैसे कि पबजी, एस्फाल्ट 9 आदि गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यह मोबाइल 8999 रुपए की कीमत में आता है 4GB और 64GB वेरिएंट का, और 8000 में आपको मिल जाएगा 3GB रैम और 32GB स्टोरेज का मोबाइल, जो दोनों के की फीचर सेम ही है। फुल HD प्लस डिस्प्ले है 5.99 इंच का और 5000 mAh बैटरी है और 13 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा 8 MP का है। तो इस बजट में जहां की दूसरे मोबाइल फोन 14,000-15,000 की रेंज में आ रहे हैं, वहीं पर ये मोबाइल फोन सिर्फ आपको 8,000 और 9,000 की रेंज में मिल जाता है। जितने की फीचर इसमें है, जैसे कि फ्रंट कैमरा फ्लैश लाइट के साथ में है, डबल कैमरा है बैक में और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी दिया गया है और ब्लिंकिंग लाइट भी मिल जाती है, 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है और स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 636 का प्रोसेसर मिल जाता है जो हाई स्पीड आपको देगा। और इस तरह से ये मोबाइल में कोई कमी नहीं है, जिस हिसाब से इसका रेट दिया गया है, इसकी प्राइस के आधार पर इसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ इसमें अगर कोई कमी है तो बस यही है कि इसमें कोई नाच नहीं है, आपको ऊपर और नीचे बेजल सब मोटे मोटे आपको मिलेंगे। तो अगर ये थोड़ा ओल्ड फोन हो गया है, पिछले साल में जो है ये बहुत अच्छे से चल रहा था, इस बार इसका प्राइस कम हुआ है इसीलिए, क्योंकि नए मॉडल्स मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन अगर एक आप अच्छा स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सब कुछ मिल जाए लो बजट के अंदर, तो ये मोबाइल फोन काफी अच्छा है आपके लिए। लेकिन बस यही इसमें दिक्कत है कि इसमें आपको नॉच नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर भी काफी मोटा दिया गया, नीचे भी मोटा सा दिया गया है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ये फोन आप आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ये है कि फैशन नया है तो नए के आधार पर नहीं है, बाकी इसमें सब कुछ दिया गया है, कोई कमी नहीं की गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।